शिक्षा ऐसा शस्त्र है जिससे कठिन से कठिन लड़ाई भी जीती जाती है, लेकिन जहाँ से समाज पढ़ता है साक्षर सुसंस्कृत होता है, जिसे विद्या का मंदिर कहा जाता है। ऐसे मंदिर के सामने ही अगर शराब की बिक्री होती है तो समाज कैसे उन्नत हो पाएगा? ऐसा सवाल वर्तमान में मोहपा वासियों के सामने है। इस सवाल के पीछे कारण भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने ढाबे के नाम पर एक स्कूल के सामने शराब की बिक्री शुरू कर दी है। मोहपा स्थित एक स्कूल के सामने शराब बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन पुलिस है कि चुप्पी साधे बैठी है, और जिस वजह से अब मोहपा वासियों में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि अब कार्रवाई कौन करेगा। मोहपा नगर पालिका होने के साथ साथ परिसर के छोटे गांव से छात्र यहां पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे शिक्षा के दृष्टिकोण से ये शहर महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से पढ़कर कई छात्र राजकीय नेता, बड़े अधिकारी, साथ ही देश सेवा के लिए आर्मी में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत है। यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा उपलब्ध है। मोहपा नगर पालिका का शहर होने के साथ ही शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस परिसर के आसपास के गांव से बच्चों की शिक्षा मोहपा में ही होती है। आसपास के छोटे गाँव के लड़के और लड़कियाँ साइकिल एसटी बस द्वारा शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं, साथ ही स्कूल छूटने के बाद ट्यूशन क्लासेस के लिए यहाँ रुकते हैं। लेकिन शराब बिक्री खुलेआम होने से मानो इस शहर को ग्रहण लग गया हो, इसलिए अब ये देखना होगा कि शराब विक्रेता पर पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं।